ए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आसपास शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले भारत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी गोल्डी बराड को आतंकी घोषित किया और अब लॉरेंस गैंग के ही शूटर काला राणा की प्रॉपर्टी जब्त की है। एनआईए ने शनिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टेरर क्राइम सिंडिकेट के सदस्यों की चार संपत्तियों को अटैच किया, जिसमें यमुना नगर के गैंगस्टर काला राणा के पिता जोगिंदर सिंह की फॉर्चुनर कार और प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया। लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले इन गैंगस्टर्स की संपत्ति हरियाणा समेत तीन राज्यों में है। लॉरेंस गैंग ने रंगदारी और ड्रग्स से काफी पैसा कमाया है और काला राणा ने इस पैसे को विदेशों में निवेश करने का काम किया है। काला राणा पुलिस से बचने के लिए थाईलैंड भाग गया था। वो पटाया में रहकर लॉरेंस गैंग के पैसों को थाईलैंड में लगा रहा था। मार्च 2022 में काला राणा ने थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिया था और तब से वो भारत की जेल में बंद है। एनआईए के मुताबिक काला राणा ने अपराध के पैसों से संपत्ति खरीदी है और जब्त की गई गाड़ी का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी में किया जाता था। ये इसमें एनआईए ने काला राणा गैंग कि उसमें जोगिंदर सिंह के नाम है ये गाड़ी और इसको यहाँ कब्जे में लेके अमानतन तौर पर थाने आते में इसके काला राणा गैंग की गाड़ी है, इसके जोगिंदर सिंह के नाम है और एनआईए ने मुकदमा जनक कब्जे में लेके थाना हाथा में अमानतन तौर पर खड़ी गई है, जिसका नंबर है HR 22K 7061। तो ये जोगिंदर जो है वो काला राणा का पिता है। हाँ, जोगिंदर सिंह काला राणा का पिता है। काला राणा के पिता जोगिंदर पर भी आरोप है कि वो अपने बेटे को अपराध में मदद करता था। साल 2022 में भी एनआईए की टीम ने काला राणा के घर पर दबिश दी थी और कुछ अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर गई थी। एक बार फिर एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।